हो गए, ये तो जवाब ही इनकी बंद नहीं हो रही है। आवश्यकता इस बात की थी, ये इनको बंद तो कराइए आप कांग्रेस के प्रवक्ता करनी चाहिए। केंद्र ये तो ऐसा रट्टी तोता की तरह रट रहे हैं बैठ के। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ कंडीशन में इस रट्टू तोता। आप बोलिए डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा सुन लेंगे, लेकिन वो रट्टू तोता जी, अबे 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 भाई सुन लेंगे, अबे भाई सुन लेंगे, डॉक्टर शर्मा कुछ बोल रहे हैं। अबे अबे जी, अबे जी, अबे जी सुनेंगे, सुनेंगे क्या कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा, क्या कह रहे हैं जी जी डॉक्टर शर्मा। देखिए ये डॉक्टर शर्मा, हमने तो स्पेशल ट्रेन की बात की थी, ये तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो गए, इनकी तो जवानी बंद नहीं होती। बाद के शर्मा बंद करो यार। अबे देखिए पता नहीं क्यों बात याद आई आपको मजदूरों की, लगान लगा इनमें कुछ ब्रेक रोक लगाएंगे प्रतीक जी, ये डिबेट करने आए हैं चाहिए ब्रेक लगाने की बात। अरे सर, अरे सर तो आप कांग्रेस की आनी चाहिए, दम तोड़ दिया एक सर तो आप कांग्रेस की आनी चाहिए। बच्चे को लेकर गोद में इनको बंद कराइएगा तो मैं बोलूंगा, पर मारी मारी फिरती रही, इनको बंद कराइएगा तो मैं बोलूंगा। आज याद आई 40 दिन बाद डॉक्टर शर्मा, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी आवाज बंद कराना चाहते, मजदूरों की आवाज दबाना चाहते, ये दुबे जी, दुबे जी बंद की भाषण कर रहे हैं। अबे जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी, आप बहुत बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर के शर्मा जी देखिए बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं इतना इनको केवल बता दूं कि ये 10 महीने तक जो है चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे लोकसभा के बाद। ये कोरोना में जब इनको लगी कि कुछ लाशें मरे हुए लोग कुछ मृत दिखेंगे तो ये गिद्ध की तरह निकल आए हैं बाहर। शर्मानी चाहिए, अरे शर्म करो कांग्रेसियों, अरे शर्म करो, तुम्हारा नेता दारू बांट रहा है, अनाउंस किया तुम्हारा पदाधिकारी शराब बांटते पकड़ा गया है, कंसर्न्स हेल्थ के तुम्हारा पदाधिकारी शराब बांटते पकड़ा गया है। 12 मार्च को जब डब्ल्यूएचओ कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें बैठ कर यहां पर ऑफिशियली डिक्लेयर करता है, आपके कांग्रेसी नेता शराब बांट रहा है 13 मार्च को, ये कहती है अबे जी, अबे जी पैंडेमिक नहीं है, इससे घबराने अबे जी अच्छा नहीं लग रहा, अबे जी प्लीज बात क्या हो सकती के शर्मा जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या क्या डॉक्टर शर्मा जी जल्दी बात कर प्रतीक जी, जो कांग्रेसी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए, लॉकडाउन में इनके पदाधिकारी शराब बांट रहे हैं, शराब पकड़े जाते हैं इनकी गाड़ी होते हैं, और शर्म हमको आनी चाहिए, ये है इनकी करतूत है, मजदूरों की वेदना केंद्र की भाजपा सरकार नहीं समझे, और शर्म हमको आनी चाहिए। अरे शराब बांट रहे हैं मजदूरों के खाते में पैसे डालिए, शराब बांटने वाले लोग 7,500 महीना डालिए, मिनिमम बेसिक इनकम उनको दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ बैठे मुझे माफी के साथ जाना पड़ेगा, 11,70,00,000 मुझे दोनों के साथ माफी, मैं माफी मांगता हूँ दोनों से, मैं दोनों से माफी मांगता हूँ, दोनों से माफी मांगता हूँ डॉक्टर के शर्मा, अभय दुबे जी मैं दोनों से माफी मांगता हूँ, मैं दोनों से माफी मांगता हूँ, मैं बहुत दुखी मानते 42-45 दिनों से, 42 नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ शर्मा जी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, मैं जो 42-45 दिन से जो मजदूर है यहाँ पे बैठा था डिबेट में, अगर सुन रहा था तो वो ये जानना चाह रहा था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, क्या सुविधा होगी, कैसे खाना मिलेगा, रास्ते में किसकी जिम्मेदारी होगी, ये सारी चीजें वो जानना